गाइज वेलकम बैक टू आवर चैनल सीमा बेजवानी व्लॉग्स। तो गाइज थैंक यू फॉर ऑलवेज सपोर्टिंग। तो गाइज जो आज का व्लॉग है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट व्लॉग है, टफी महाकाल के बर्थडे का है, डालना मोस्ट इंपॉर्टेंट था। तो मैंने सोचा चलेगा, अभी व्लॉग को देर हो गई है, डालने में कोई दिक्कत नहीं है, पर मैं हमेशा आपके साथ अच्छी चीज़ें शेयर करती हूँ, तो मेरे लिए बहुत खास व्लॉग है, इसीलिए मैं भले काफ़ी लेट हो गया तो भी शेयर करूँ। टफी महाकाल का बर्थडे आता है 21 फरवरी को, तो अभी काफ़ी टाइम हो गया है, बट मैंने ये व्लॉग बना के रखा था तो मुझे अपलोड करना था। एक्चुअली मैं कैसा होता है ना कि मुझे एडिटिंग का टाइम बहुत कम मिलता है अभी, तो इसीलिए व्लॉग्स थोड़े कम आते हैं। तो अभी हम ट्राई करते हैं आप तक अपने व्लॉग्स पहुँचाएं, और बहुत सारे आप में से लोग हैं जो बहुत हमें प्यार करते हैं, बहुत अच्छे अच्छे मतलब मुझे मैसेजेस करते हैं, तो गाइज बहुत अच्छा लगता है, हमेशा प्यार बनाए रखिएगा। तो आज का पूरा व्लॉग देखिएगा, अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हमारा व्लॉग शेयर कीजिएगा। सबसे सुंदर कौन है? टप्पू है। हैप्पी बर्थडे टू यू। हेलो बढ़िया मम्मा जी, आप बर्थडे टेल मम्मा जी, आप बर्थडे टेल। हेलो बढ़िया मम्मा जी। टफी का है हैप्पी बर्थडे, तो इसने अभी नाई नाई कर ली है, आज चलेगा घूमने। ओए ओए, हेलो भाई, हेलो लचड़ी कहाँ है पहले पूछो इसे। चलो चलो जय जय कलो, सबसे पहले जय जय कलो, हैंड वॉश तलते जय जय चलो, चलो जय कलो, चलो ऊपर चढ़ो और अभी ये जय करेगा। हाँ जय जय बाबा कहोगी ना, हाँ जय जय बाबा कहो है ना, चलो हाथ धो के, चलो जल्दी मथा टेको। तो गाइज आज है चंड, तो आज आरती भी रखी गई है, आरती के बाद प्रसाद भी रखा गया है, और आज हमारे टफी का बर्थडे है तो उसके लिए भी दुआ करेंगे। तो गाइज अभी प्रसाद हो चुका है स्टार्ट, तो आज देख सकते हो बहुत अच्छा अच्छा टेस्टी टेस्टी सा प्रसाद मिलता है हमें हर चंड पे, और भगवान जी के दर्शन कर लीजिए, सबको खुश रखें। अभी हम निकल चुके टफी के बर्थडे पर, और अभी ले लिया है हमने टफी के लिए केक। तो गाइज ये देख सकते हो हमारा बच्चा, इसको अभी करवाएंगे केक कट और रेडी करेंगे। हेलो टफी, माथे करे चलो मैं एक फोटो नहीं निकलवाऊंगा, ऐसे करोगे तो आधा फोटो। चलो केक काटो, चलो 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 चलो। तो गाइज अभी टफी केक कट करेगा। अभी जा रहे हैं टफी के बर्थडे पार्टी पे, तो अभी टफी की तरफ से हमें मिलेगी पार्टी। अभी हम आ चुके हैं लाख कैफेटेरिया, जो टफी महाकाल हमें देगा आज बर्थडे पार्टी, है ना टप्पू। आज हम टप्पू से बर्थडे पार्टी लेंगे, और देख सकते हो ये मेरे पापा को नीचे से बुला रहा है कि आप भी हमारे साथ आओ, इधर बैठो आके। तो इसका बहुत सब में ध्यान होता है कि मैं सबके साथ ही घूमूंगा और सारे लोग मेरे साथ ही बैठने चाहिए, अगर हम में से एक जना भी आसपास में जाता है ना तो इसका ध्यान उधर ही अटकता है कि नहीं मुझे इसको भी बुला के दो, ये मेरे साथ बैठना चाहिए। खास बात है, देखो पापा आ गए और खुश हो गया अब बैठेगा, और ये अमित जी देख सकते हो, तो अमित जी भी ढूंढ रहे हैं कि मैं कहाँ बैठूँ। तो गाइज ये है बहुत अच्छा कैफ़े, और टफी को हमने आराम से अलग से ऊपर बिठाया है यहाँ पे,
तो गाइज देख सकते हो टफी मस्त आराम से बैठा हुआ है, ऐसे यहाँ पे मज़ा आ रहा है। और ये यहाँ पे पहली बार आया है, पर हम इसे हमेशा यहीं पे ही लेके आएंगे क्योंकि ये सेफली बैठा हुआ है। देख सकते हो इसे मज़ा भी बहुत आ रहा है लोग देखने में, और यहाँ पे अकेले में ऊपर बैठा हुआ है तो इसे कोई टेंशन नहीं है, कोई परेशान भी नहीं कर रहा। और अभी हमारे पास्ता वेब्स और गार्लिक ब्रेड और जो ऑर्डर किया है सब आ रहा है, और इसको तो हम घर से खिला कर लेके आए हैं। इससे हम आउटसाइड का फूड इतना नहीं खिलाते, ये ज़्यादा से ज़्यादा आइसक्रीम खाएगा। तो गाइज़ ये हमने लिया है उज्जैन में से, काफ़ी सारे लोग मुझसे पूछते हैं तो मैं आज बता रही हूँ ये उज्जैन से आया हुआ है, महाकाल की गिफ्ट है हमारे लिए। तो बहुत ख़ास मेंबर है हमारे घर का गाइज़, लोगों से बेहतर पैट्स होते हैं। एक्चुअल में हम इसे पैट नहीं अपने घर का इम्पोर्टेंट मेंबर मानते हैं, बट कम से कम लोगों को कुछ डांटते हैं ना तो वो सामने आते हैं, पर इन्हें डांटो ना ये हमारी तरफ प्यार से आते हैं, तो मुझे बच्चों से बेटर टफी लगता है मेरे लिए। तो गाइज बहुत ज़्यादा मतलब समझदार बच्चा है, टचोट कभी परेशान वरेशान नहीं करता है और अंडरस्टैंडिंग वाला है बहुत। तो गाइज देख सकते हो इसे यहाँ पे अच्छा लग रहा है, लोगों को देखना है, एंजॉय कर रहा है। और अभी हमारी आ चुकी ब्राउनी खाने के बाद हम जाने वाले हैं घर, और टफी महाकाल भी हो चुका है रेडी, चल रहे हैं घर और मम्मी पापा निकाल रहे हैं फोटोज। हाय गाइस, तो आई होप के आपको ये वाला व्लॉग अच्छा लगा होगा। हमारे बच्चे का बर्थडे था, हमने आपके साथ शेयर किया, भले ही काफ़ी लेट हो गया था अपलोडिंग करने में बट मैंने अपलोड किया। तो गाइस मेरी यही फीलिंग होती है कि काफ़ी सारे लोग होते हैं जो पैट्स को लेकर आते हैं पर उनका फिर ध्यान नहीं करते हैं, तो प्लीज़ ऐसा मत किया कीजिए, वो आपसे भी ज़्यादा मायने रखते हैं। क्योंकि गाइज हम लोगों को अगर कोई भी कुछ होता है तो हम बोल पाते हैं, एक तो वो हमें कुछ बोल नहीं पाते और हमेशा उनकी तरफ से हमें प्यार ही मिलता है। कभी भी आप देखोगे ना वो हमें परेशान बिल्कुल नहीं करेंगे। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि पेट से दूर रहा करो, ये होता है वो होता है, तो वो आपके दिमाग की गंदगी है जो कि क्लीन करने की बहुत ज़्यादा नीड है आप लोगों को। मैं सबको नहीं कह रही, जो लोग ऐसा करते हैं उनके लिए, मेरे को अगर गाइस कोई कह देता है ना कि आपका कुत्ता, तो मुझे बहुत ज़्यादा दुख होता है इस बात का। गाइस वो कुत्ता नहीं है, वो भी बच्चा है, उसका भी नाम है, और कुदरत ने भले ही उसे डॉग बनाया हो, पेट बनाया हो, कुछ भी बनाया हो, बट कोई अगर ये गलत वर्ड यूज़ करता है ना, मैं हमेशा कहती हूँ कि उसका नाम है, ही इज़ नॉट अ कुत्ता एंड ऑल। मुझे पसंद नहीं है पर्सनली, चाहे मैं एक्सेप्ट करती हूँ कि भगवान ने उसे ना डॉग बनाया है, बट मेरा टफी के लिए कोई बोले ये मुझे पसंद नहीं है, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग कि आप लोगों को अगर जानवर छोटे छोटे होते हैं, पप्पीज होते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं, जब वो बड़े हो जाते हैं, पोटी वगैरह करते हैं, आपको अच्छा नहीं लगता है ना, तो गाइज उससे पहले आपको अपने घर से निकल जाना चाहिए जो लोग ऐसा करते हैं। तो गाइज अगर आप लेके आते हो, आपकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको उन्हें संभालना है किसी भी हालत में। क्या आप अपना बच्चा फेंक के आने वाले हो? नहीं ना। तो आप अगर लेके आए हो, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको उसे संभालना है। जो लोग मैंने बहुत देखे हैं चैन से घर के बाहर बांध देते हैं, फेंक देते हैं अपना मन करने के बाद, तो गाइज मेरे लिए मेरा टफी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लिटरली कोई अगर आके कह देता है आप इसे बांध दो, इसे अंदर रख दो, तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। जिसे डर लगता है वो उसका मैटर है, हम उसे एक घंटा दो घंटा अपने रूम के अंदर बांध के नहीं रख सकते हैं। और कोई कहता है ना हम आपके घर नहीं आएंगे, तो मुझे अच्छा लगता है, ठीक है मत आओ, पर टफी को हम बंद नहीं करने वाले हैं। और टफी को कोई कुछ कहे वो मुझसे बिल्कुल सहन नहीं होता है, और अगर किसी ने भूल में कह भी दिया ना, बैंड बजने वाली होती है उन इंसानों की, तो मैं कहती हूँ मुंह को ऐसे लॉक लगा के रखो, रहे हमारे घर रहा है, पेट्स रहे उन लोगों के घर रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं इंस्टाग्राम्स पे रील्स देखती हूँ ना कि लोग अपने पेट को इतना ज़्यादा प्यार करते हैं। आई होप कि सिर्फ वो दिखावा ना हो, पर उन लोगों को मतलब मैं बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करती हूँ कि जो लोग बहुत अच्छा रखते हैं अपने पेट को, खुद से ज़्यादा उनमें जान रखते हैं, तो वो लोग बहुत अच्छे लगते हैं मुझे। तो गाइज थैंक यू फॉर सपोर्टिंग, मुझे अच्छा लगता है जब आप मेरी बातें सुनते हैं, और मतलब मुझे ऐसा लगता है कि हाँ मैं अपनी बातें आप लोगों के साथ शेयर कर सकती हूँ। तो गाइज अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, आपकी एक लाइक मेरा पूरा दिन बना देती है कि अच्छा है मेरे ब्लॉग्स पे लाइक आ रहे हैं। तो सॉरी जिन्हें खराब लगा हो मैंने वर्ड्स कहे हो, अगर आप ऐसे हो तब भी आपको खराब लगा है तो आप भी सुधर जाइएगा, और अगर आप अपने पेट से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो तो लव यू सो मच गाइज, क्योंकि इंसानों से ज़्यादा बेहतर पेट्स होते हैं, मैं हमेशा कहती हूँ और हमेशा कहती रहूंगी।
कोई बात नहीं है कि कोई क्या सोचता है मेरे बारे में, मुझे कोई फर्क नहीं, कल पड़ा है नहीं आज पड़ेगा, पर मैं अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जीऊंगी और अपने टफी को हमेशा खुश देखना चाहूंगी। तो गाइज आप भी बहुत दुआएं दीजिएगा मेरे बच्चे को, हमेशा मेरा बच्चा खुश हो, भगवान महाकाल की दुआएं हमेशा उसके साथ है। तो गाइज उसे हमने उज्जैन से लिया था, हम घूमने गए थे और वहाँ हमें अच्छा लगा था और हमने उसे लिया था, महाकाल बाबा की गिफ्ट, हमने लिया भी नहीं था, महाकाल बाबा ने दिया है। तो गाइज हमेशा आप भी अपने पेट्स के साथ प्यार कीजिएगा, उनके साथ कोई गलत व्यवहार मत कीजिएगा। मुझे तो एक थप्पड़ लगाना भी पसंद नहीं है कि मैं कभी उसको एक थप्पड़ लगाऊं। तो गाइज प्लीज़ उनसे बहुत प्यार कीजिएगा, वो प्यार के भूखे होते हैं। किसी जानवर को आप एक बार खिलाओगे ना, तो आज भी लिटरली अगर मैंने किसी जानवर को खिलाया होता है और मैं रास्ते से जाती हूँ ना, वो मेरे पास आ जाते हैं खुशी से। तो गाइज़ हमेशा उनके प्रति एक अच्छी भावना रखिएगा। जो लोग फालतू की बकवासें करते हैं ना, वो मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं। पेट्स के बारे में बोलते हैं ये वो, तो आपको पसंद नहीं है वो आपका मैटर है, दूसरों को जजमेंट देने का कोई मतलब नहीं है आप लोगों का। चलिए मिलेंगे एक न्यू मस्त वाले ब्लॉग में, आज के लिए इतना ही, लव यू सो मच ऑल।